भारत के कम्युनिस्ट पार्टी CPIML ने सरकार द्वारा मुरादाबाद के जिला मक्का में आसरा योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए आवासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है। मंगलवार को CPIML के जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि महानगर में आसरा आवास योजना के अंतर्गत डोडा द्वारा ग्राम चक्का में गरीबों को जो आवास दिए गए हैं उनमें शौचालय से गटर में जाने वाले पाइप नहीं लगे हैं, आवासों में पुताई तक नहीं कराई गई, पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। आवासों के छत पर चैम्बर खुले हुए हैं, बच्चों के गिरने का डर रहता है, उनको कवर कराए जाने की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया कि आज किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। आज हमारा प्रदर्शन झक्का कुंदनपुर में आसरा योजना के तहत डूंडा द्वारा मकान बनाए गए थे, उन मकानों को गरीबों को अलाट कर दिया गया, जबकि उन मकानों के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है। जो टेंडर हुए हैं उन टेंडरों में जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें से कोई भी सुविधा वहां के लोगों को नहीं दी गई, उनको मकान आवंटित कर दिए गए, ना तो खिड़की हैं ना दरवाजे हैं, और जो शौचालय हैं उनमें गटर तक जाने वाला कोई पाइप लगा हुआ नहीं है, पीने के पानी की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, और ऊपर जो चैम्बर बने हुए हैं वो बिल्कुल खुले हुए हैं, उनमें से बच्चे गिर भी गए हैं कई बार, वो चैम्बर तक नहीं ढके गए हैं, कोई बाल बाउंड्री नहीं है, उनके हाल पर ही गरीबों को वहाँ छोड़ दिया गया है मरने जीने के लिए, और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन मांगों को लेकर के वहाँ इन लोगों को सुविधा दी जाए, ये तमाम उस कॉलोनी के वासी हैं जो वहाँ रह रहे हैं, तो इनको लेकर के हम DM साहब के पास आए हैं, और जो वहाँ सामग्री लगी है हमने पहले भी लिखा था कि इसकी जाँच की जाए, वो घटिया सामग्री के वो मकान बने हुए हैं उनमें छतें तक टपक रही है। प्रदर्शन में शामिल समाज सेविका प्रियंका गुप्ता ने बताया। जी क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी आप किस संगठन से जुड़ी हुई हैं? मैं समाज सेवा करती हूँ सर, और मैं चाहती हूँ जो गरीबों के लिए आवास मिले हुए हैं उनमें कोई सुविधाएं नहीं है, और दो चार बार ऐसे बच्चे गिरे हुए हैं चैम्बरों में से ऊपर जो कि उनकी जान खतरे में हुई है, और उन बच्चों को बचाया गया है, और आज तक का रिकॉर्ड है कि सन 2016 में मकान मिले थे, जिससे कि आज तक कोई ना रोड ना पानी ना ही किसी चीज़ की व्यवस्था करी गई है, और हम लोग बार बार ये मतलब कहते हैं कि हमारे ये पानी दो या रोड बनाओ, वो बस ये कह देते हैं कि हाँ आज मतलब एक महीना रुको या 15 दिन रुको आपका काम हो जाएगा, और बार बार यही चीज़ कह कह के हमें समझाया जाता है, और हमें आज 4-5 साल हो गए ये चीज़ देखते हुए, अभी तक हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ, जिसमें कि ये लोग अभी नए मकान मिले हैं इनके लिए कोई सुविधाएँ नहीं है, ना टाइल्स हैं ना सिंक हैं और ना गटर की व्यवस्था करी गई है, और इनसे कहा गया आप लोग जाके रहो, अब ये रहे मतलब आस पड़ोस वाले हैं वो हमें ताने देते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आए हो तुमने गंदगी फैला रखी है, अब हम किस किस की सुने ये बताओ, मतलब वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी जो कि ये लोग शांति से रह सके। प्रदर्शन में निशा, मीनाक्षी, रोशन, राबिया, करण रस्तोगी, अनीता एवं तस्लीमा सहित अनेक लोग शामिल रहे।